हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताएंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली सीरीज के बारे में, जो कि महत्वपूर्ण रहने वाला है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 ओडीआई मुकाबले और 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेले जाने वाली है। टेस्ट मैचों की सीरीज, जो कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के नाम से जानी जाती है, इसका पूरा कार्यक्रम हम देखेंगे और कौन से मैच कहाँ होंगे और किस तारीख को होंगे उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया पहले तो टेस्ट सीरीज खेलेगी, जो कि 9 फरवरी से आरंभ होने वाली है। पहला टेस्ट जो है 9 फरवरी को नागपुर में खेला जाएगा। 9 से 13 फरवरी के बीच में यह मुकाबला होने वाला है। वहीं दूसरा टेस्ट मैच 17 फरवरी से 21 फरवरी को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम पर खेला जाने वाला है। वहीं तीसरा टेस्ट मुकाबला जो है 1 से 5 मार्च को धर्मशाला में खेला जाएगा। और चौथा टेस्ट मुकाबला जो है 9 से 13 मार्च के बीच में अहमदाबाद में खेला जाने वाला है। तो 4 टेस्ट मुकाबले भारतीय टीम से खेलेगी ऑस्ट्रेलिया की टीम, जो कि इंडिया का दौरा कर रही है। वहीं इस सीरीज के समाप्त होने के तुरंत बाद में जो है ओडीआई सीरीज खेलेगी ऑस्ट्रेलिया की टीम 17 मार्च को पहला ओडीआई मुकाबला खेला जाएगा, जो कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं दूसरा ओडीआई मुकाबला 19 मार्च को वाइजैग में खेला जाने वाला है। और तीसरा ओडीआई मुकाबला जो है 22 मार्च को चेन्नई में खेला जाएगा। तो ओडीआई सीरीज और टेस्ट सीरीज के लिए भारत की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है और किन किन खिलाड़ियों को दोनों सीरीज में शामिल किया गया है, इसके बारे में अब हम देखते हैं। तो पहले देख लेते हैं टेस्ट सीरीज में किन किन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। टेस्ट सीरीज में जो है भारत की महत्वपूर्ण जो है फाइनल स्क्वाड क्या होने वाला है उसके बारे में देखते हैं। तो फाइनल स्क्वाड में जो है शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत को शामिल नहीं किया गया है। ऋषभ पंत जो है चोटिल हुए हैं, जिनका कि कार एक्सीडेंट हुआ था, वो नहीं इसमें खेलने वाले हैं। श्रीकर भरत को टीम में शामिल किया गया है। रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और जो है शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव और केएल राहुल को टीम में शामिल किया गया है। कप्तान रोहित शर्मा रहने वाले हैं और जो है लंबे अरसे के बाद रविंद्र जडेजा जो है टेस्ट टीम में वापसी कर रहे हैं और कोई भी सीरीज खेलने के लिए तैयार हो गए हैं। अब चलिए जान लेते हैं ओडीआई स्क्वाड के बारे में, जो कि भारत की तरफ से खेलने वाली है 3 ओडीआई मुकाबले। ओडीआई स्क्वाड में जो है महत्वपूर्ण प्लेयर रहने वाले हैं आपके केएल राहुल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, हर्षल पटेल, रविचंद्रन अश्विन, श्रेयस अय्यर, जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली, वेंकटेश अय्यर और यजुवेंद्र चहल, हार्दिक पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, ये खिलाड़ी रहने वाले हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत का और ऑस्ट्रेलिया की टीम का क्या रिकॉर्ड रहा है, कौन से गेंदबाज ने अधिक विकेट लिया है, किस बल्लेबाज ने सर्वाधिक रन बनाए हैं और किस टीम ने ज़्यादा सीरीज जीती है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। तो दोनों टीमों के बीच जितनी भी सीरीज खेली गई है, मतलब कि जितने भी टेस्ट खेले गए हैं, उनमें किन किन खिलाड़ियों ने सर्वाधिक विकेट लिए हैं। तो सबसे पहले आते हैं अनिल कुंबले, भारत की तरफ से 20 मुकाबलों के अंदर 111 विकेट लिए हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई सीरीज में, टेस्ट सीरीज के अंदर। हरभजन सिंह दूसरे नंबर पर आते हैं, जिन्होंने 18 मुकाबलों के अंदर 95 विकेट लिए हैं और ये जो है बेहतरीन खिलाड़ी माने जाते थे। वहीं तीसरे नंबर पर आते हैं वर्तमान में नाथन लियोन, 21 मुकाबले 89 विकेट इन्होंने लिए हैं भारत के खिलाफ में। और रविचंद्रन अश्विन भारत की तरफ से चौथे नंबर पर, जो कि इस सीरीज में खेलने वाले हैं, 18 मुकाबलों के अंदर उन्होंने 87 विकेट लिए हैं। इनका एवरेज 31 का रहा है और ये महत्वपूर्ण प्लेयर रहने वाले हैं इस सीरीज के अंदर। ये दोनों खिलाड़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, नाथन लियोन और रविचंद्रन अश्विन इस सीरीज के अंदर। वहीं अनिल कुंबले पाँचवें नंबर पर आते हैं, 20 मुकाबले 79 विकेट इन्होंने लिए, 25 का एवरेज इनका रहा है। जहीर खान 19 मैच 61 विकेट 35 का एवरेज रहा है। रविंद्र जडेजा इस सीरीज के अंदर खेलने वाले हैं, 12 मुकाबलों के अंदर 63 विकेट लिए हैं, 18 की
एवरेज से इन्होंने गेंदबाजी की है। तो ये रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन और नाथन लियोन, ये तीन प्रमुख खिलाड़ी इस मुकाबले के अंदर खेलने वाले हैं। ईशांत शर्मा 25 मुकाबले 59 विकेट, 42 का एवरेज रहा है इनका। इरापल्ली प्रसन्ना भारत की तरफ से 13 मुकाबले 57 विकेट, 28 का एवरेज रहा है इनका। बिशन सिंह बेदी 12 मुकाबले 56 विकेट, ये भी महत्वपूर्ण थे अपने समय के बेहतरीन खिलाड़ियों में। तो ये रहने वाले हैं जो कि महत्वपूर्ण प्लेयर, हमने आपको बताया कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और टेस्ट सीरीज जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में खेली गई है, उनमें सर्वाधिक विकेट किन किन खिलाड़ियों ने लिए हैं और कौन से खिलाड़ी जो वर्तमान समय में खेल रहे हैं उनमें सर्वाधिक विकेट किसने लिया है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंदर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट जो है उनमें टॉप पर आते हैं मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने 34 टेस्ट मैचों की जो है बेहतरीन पारियों में 3,262 रन बनाए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर आते हैं कप्तान रिकी पोंटिंग, पूर्व कप्तान जो कि ऑस्ट्रेलियाई टीम के रह चुके हैं, 29 टेस्ट के अंदर जो है 2,555 रन इन्होंने बनाया था। तीसरे नंबर पर आते हैं विवियस लक्ष्मण, जिन्होंने 29 टेस्ट मुकाबलों के अंदर जो है 2,434 रन बनाए हैं। चौथे नंबर पर आते हैं दीवाल के नाम से फेमस राहुल द्रविड़, 32 मुकाबलों के अंदर 2,143 रन इन्होंने बनाए हैं। वहीं पांचवें नंबर पर आते हैं माइकल क्लार्क, जो कि मौजूदा खिलाड़ियों में नहीं खेल रहे हैं, इन्होंने 22 टेस्ट मुकाबलों के अंदर जो है 2,049 रन बनाए हैं। तो ये पांचों खिलाड़ी जो है बेहतरीन प्रदर्शन किया है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंदर। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सबसे ज़्यादा किस टीम ने जीते हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सबसे पहला एडिशन जो हुआ था वो भारतीय टीम ने 1996-97 में 1-0 से सीरीज को अपने नाम किया था। वहीं दूसरा एडिशन भी भारतीय टीम ने ही जीता था 1997-98 के बीच में जो हुआ था, 2-1 से भारतीय टीम ने इसमें जीत हासिल की थी। तीसरा एडिशन 1999 में खेला गया था जिसको कि ऑस्ट्रेलिया ने 3-0 से भारत को हराकर जीत लिया था। चौथा एडिशन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का 2000 और 2001 के बीच में खेला गया था, जो कि भारतीय टीम ने 2-1 से विजयी हासिल की थी। 2003 और 2004 के बीच में जो खेला गया था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी वो ड्रा रहा था। 2004 और 2005 के बीच में जो है 2-1 से भारत ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बढ़त हासिल की थी। वहीं 2007 और 2008 के बीच में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंदर ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 2-1 से भारतीय टीम को हरा दिया था। लगातार दो बार जो है भारतीय टीम को हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर विजय प्राप्त की थी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। 2008 और 2009 के अंदर जो है भारतीय टीम ने 2-0 से जीत हासिल की थी। 2010-11 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 2-0 से जीत हासिल की थी। 2011 और 2012 के अंदर 4-0 से ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को हराया था, और ये जो है सबसे बड़ी हार भी थी सीरीज में भारतीय टीम की। 2012-13 के अंदर भारतीय टीम ने पुनः जो है ऑस्ट्रेलियाई टीम को 4-0 से पराजित कर दिया था और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम कर ली थी। 2014-15 के अंदर 2-0 से ऑस्ट्रेलिया ने फिर से जीत हासिल की थी। 2016-17 में भारतीय टीम ने 2-1 से जीत हासिल की, और 2018-19 के अंदर फिर से जो है इंडिया की टीम ने 2-1 से बढ़त हासिल की। 20-21 का एडिशन नहीं हुआ था, 21-22 का भी नहीं हुआ था, और फिर 2022-23 का ये एडिशन खेला जाने वाला है जो कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की शुभारंभ 9 फरवरी से होने वाला है। तो इस तरह हमने आपको ये जानकारी दी थी। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको कई फायदे हैं। आपको जो है लाइनअप के बाद टीम अपडेट, वेन्यू स्टेट्स, सभी जानकारी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे उनको बराबर नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऐसी ही क्रिकेट से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।